हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नाटू कला चैनल पर। और आज हम जिस फिल्म का पब्लिक रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है केदारनाथ। ये सवारी नाच भी सकती है, रो भी सकती है और शामिल हो भी सकती है। बताइए कौन से गम में शामिल होना है। फिल्म का निर्देशन किया है अभिषेक कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है सुशांत सिंह राजपूत और न्यू कमर्स एक्टर्स सारा अली खान। जी हाँ दोस्तों, ये सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है। तो चलिए जानते हैं जनता से कि इनका अभिनय और फिल्म के बारे में। रोज बड़ी से बड़ी भारी भरकम सवारी ऊपर नीचे करता हूँ, इतना बोझ कभी नहीं उठा। आदत डाल लो। कैसी लगी आपको केदारनाथ मूवी? मूवी अच्छी है, साफ सुथरी और अच्छी, हिंदी मूवी में अच्छी मूवी है। अच्छा, तो इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत और जो हीरोइन है सारा अली खान, तो उसके बारे में क्या कहूँगा? दोनों का रोल काफी अच्छा लगा उसमें, और पिक्चर के इसमें जो फिल्मांकन किया गया है काफी हद तक, मतलब सीन सीनरी शूटिंग केदारनाथ के जो रियल सीन्स बताए गए हैं काफी अच्छे लगे हैं। अच्छा। जो प्राकृतिक आपदा जो आई थी उसमें उसका फिल्मांकन भी बहुत अच्छे से किया गया है उसके अंदर। बहुत बढ़िया लगे, एकदम बहुत अच्छा, बहुत मस्त लगी है। बहुत क्या अच्छा लगा? केदारनाथ के पूरे सीन से बहुत अच्छे लगे हैं, और वो लैंडस्लाइड्स फ्लड्स वो जो दिखाया है वो भी बहुत अच्छा है, सब तरीके से। फिल्म के गाने पसंद आए? हाँ पसंद आए। पिक्चर जो है फर्स्ट हाफ में उतनी खास नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ में जो है अच्छी पिक्चर है, और जो इसकी फोटोग्राफी की है और जिस तरीके सेकंड हाफ में शूटिंग की गई है बहुत अच्छा है। थोड़ा टाइटैनिक पिक्चर की याद दिलाती है। हाँ, हीरोइन जो है, जो नई हीरोइन आई है, उतना कैरेक्टर जो इतना दमदार नहीं है, लेकिन जो फोटो शूटिंग की है वो पिक्चर को आगे ले जा सकती है इसको। और इस फिल्म में मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि जो धार्मिक प्लेसेस है उसका अच्छे से ख्याल रखिए, और उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, और वातावरण को जो है अच्छा कीजिए। और यहाँ पे कुछ मीन्स पिक्चर में जो है कुछ धार्मिक जो है लव स्टोरी ये बताए, तो इसको नज़रअंदाज करते हुए अपन अगर एंडिंग की ओर जाते हैं तो बहुत अच्छा एंडिंग बताया यहाँ पे, कि भेदभाव ना करते अपन, एक दूसरे को ये ना करते हुए अपन हेल्प करें सबको, ये इसमें बहुत अच्छा बताया है। फिल्म को रेटिंग कितना दोगे आप? 5 में से? 5 में से इसको 3 रेटिंग दे सकते हैं। ठीक लगे, अच्छा एक्टिंग अच्छी है। अच्छा, और क्या अच्छा लगा? यही अपना जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में भी नॉलेज आ जाता है, वो लोकेशन के बारे में भी, थोड़ा सा हट के मूवी है, थोड़ी ठीक लगी। तो रेटिंग कितना दोगे आप इसमें 5 में से? 3 और 3.5। केदारनाथ कैसी लगी? अच्छी मूवी है, अच्छी लगी। जो प्रलय आया था उसके बारे में कुछ है फिल्म में? हाँ, उसके बारे में दिखाया है, वो थोड़ा नयापन लगता है, अच्छा लगता है, जो चीज़ अपने को मालूम नहीं, हकीकत में देखे नहीं, वो स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगा। वो अच्छी मूवी है, बढ़िया। सारा अली खान का रोल पहली फिल्म है, लेकिन बहुत बढ़िया, अच्छी एक्टिंग की है। आप रेटिंग कितना दोगे इस फिल्म को? 3 तो कहीं नहीं गया मेरे ख्याल से, अच्छी मूवी। थैंक यू। केदारनाथ मूवी कैसी लगी आपको? केदारनाथ मूवी को भले ही काल्पनिकता के तौर पर बोला गया है, लेकिन इस कहानी में हकीकत है, प्रासंगिकता है, और केदारनाथ की त्रासदी को जिस ढंग से फिल्माया गया है उसके लिए डायरेक्टर निर्देशक ये सभी बधाई के पात्र है। कैरेक्टर का अभिनय बड़ा दमदार है, और जिस प्रकार इसकी शूटिंग की गई है वो शूटिंग रोमांचित करती है और एहसास कराती है हॉलीवुड की फिल्म टाइटैनिक का। भले ही इसमें काल्पनिकता का लिबास दिया है, लेकिन कुल मिला के इस कहानी में दम है, और इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि पर्यावरण का हमने कितना संगोपन करना चाहिए। ये संकेत किया डायरेक्टर ने कि किसी भी प्राकृतिक चीज़ से हमने छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और जो मंदाकिनी का प्रवाह ने नुकसान पहुँचाया केदारनाथ की पहाड़ी को, वो हमें संकेत करता है कि हमने प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। और मूवी के बारे में कहूँगा कि गुड मूवी, बढ़िया मूवी, अच्छा डायरेक्शन है, बधाई के पात्र डायरेक्टर साहब। अच्छा, तो इनमें अभिनय जो किया है, सारा अली खान की पहली मूवी है जो सैफ अली खान की बेटी है, तो उनका अभिनय कैसे लगा आपको? इस अभिनेत्री के लिए भविष्य में बहुत संभावना है।
कैरेक्टर अच्छा है और जान फूंक दी है, नयापन है, लेकिन भविष्य की पहचान है भारतीय सिनेमा जगत के लिए। और इस फिल्म का संगीत? संगीत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही क्लासिकल म्यूजिक कह सकते हैं। गाने भले ही कम है लेकिन दमदार फिल्म है और इसको किसी प्रकार से हम धार्मिकता का लिबास न पहनाए, हम केवल इसको फिल्म की नज़र से देखें और सांकेतिक तौर पर कहानी को समझने की कोशिश करें। इस फिल्म को आप रेटिंग कितना दोगे? 5 में से? 5 में से मैं इसको 4 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। वेलकम। मूवी काफ़ी अच्छी है, इट वॉज रियली वेल पिक्चराइज्ड और सबका काम बहुत अच्छा है और अच्छी है। सारा अली खान बहुत, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत रियलिटी दिखाते हैं एक्टिंग में और उनकी मामा की बहुत झलक है उनमें। केदारनाथ कैसी लगी? पिक्चर बहुत अच्छी है और देखने लायक है और उसका जो न्यू कमर में जो आई है सारा खान, वो बहुत ही टैलेंट लड़की है और उसके चांसेस आगे बढ़ने के। अच्छा। और जो फिल्म जो काल्पनिक जो बनाई है तो उसमें जो सीनरी है और डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जो प्रलय जो आया था, जो हमने कभी देखा नहीं प्रलय कैसा आया क्या आया, तो वो प्रलय जो इन्होंने इस फिल्म में दिखाया है वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा हुआ, आज तक तो ऐसा देखने को भी नहीं मिला, कोई फिल्म में नहीं देखने को मिला, ये जो उसने जो करवाया बहुत ही अच्छा करवाया। तो ये था पब्लिक रिव्यू केदारनाथ के बारे में जनता के प्रति, तो चलिए एक बार तो भी देखनी चाहिए केदारनाथ।